नमस्ते दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। आज मैं आप सबके पास वापस हूँ काफ़ी लंबे समय के बाद। पिछले कुछ दिनों से मैं दो किताबों के बुक रिव्यू करना चाह रही थी, जिसमें मुझे अंत तक का टाइम लग रहा था, क्योंकि मुझे बुक रिव्यू लिखना तो आता है, मतलब मैं आर्टिकल के फॉर्म में लिख सकती हूँ, उसको छपवा सकती हूँ, पर मुझे वीडियो में वो कैसे बोला जाए, वो आर्टिकल से अलग कैसे हो, ये चीज़ बहुत लंबे समय तक समझ नहीं आ रही थी। और मैं इंस्पिरेशन भी एकदम टेडएक्स के बुक रिव्यू से ले रही थी, जो कि जितनी की मेरी मजाल ही नहीं है कि मैं बना सकती, तो फिर इस वजह से वो काफ़ी प्लेगराइज और ऑकवर्ड कंटेंट क्रिएट हो रहा था। और मैं हर बार सोचती थी कि छोड़ो, नहीं बनाना मुझे, पर अब मुझे लगा कि फाइनली मैं बना सकती हूँ। मुझे क्रैक यही लगा उसको बना पाने का कि मैं हिंदी में बोलूँगी ना तो बस ओरिजिनल हो जाएगा, फिर तो वो टेडेक्स का कॉपी लग सकता भी नहीं, पर फिर भी हिंदी में बोलूँगी तो सही हो जाएगा सब कुछ, फिर वो इतना आर्टिकल फॉर्म में नहीं लगेगा। पिछले कुछ दिनों मैंने लॉकडाउन के दौरान दो फेमिनिस्ट किताबें पढ़ी, एक सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट बाय निवेदिता मेनन, जो कि नॉन फिक्शनल किताब है, और दूसरी अ रूम ऑफ वन ज़ोन बाय वर्जीनिया वुल्फ। इन तीनों किताबों का मैं साथ में बुक रिव्यू करना चाहती थी, क्योंकि मुझे ये भी जवाब देना था मेरे घर वालों को कि मेरा दिमाग ख़राब हुआ क्यों हुआ है, और हाँ, इसमें किसी लड़के का कोई हाथ नहीं है। ये दोनों किताबें जब मैंने पढ़ी लॉकडाउन के दौरान, तब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज फील कर रही थी, क्योंकि मेरे लिए तो पैटर्न सेट था ना कि ऐसे ही होता है, परिवारों में यही होना होता है और यही सही होता है, इसी में आप थोड़ा बहुत संशोधन कर सकते हो। पर ये पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि ओ, ये सब कुछ नेचुरल नहीं है, ये ऐसे ही होना नहीं होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि ऐसा नहीं हो रहा होता है। और ये सब पढ़ के मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि उस दिनों मैंने एक आर्टिकल लिखा सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट बुक पढ़ने के बाद, निवेदिता मेनन की किताब पढ़ने के बाद, जिसमें मैंने बुक रिव्यू तो वो क्या ही था, पर वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था कि वो किताब पढ़ने के बाद मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। और वो आर्टिकल लाइव वायर पे है, उस आर्टिकल में मेरे क्या सवाल थे और फिर निवेदिता मेनन ने उसका क्या जवाब दिया, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट में निवेदिता मेनन का कोट है दैट इन विच एवर वे वुमेन आर डिफरेंट, द डिफरेंस इज ऑलवेज सीन टू बी एन इनफीरियर डिफरेंस, नॉट जस्ट द डिफरेंस और अ सुपीरियर डिफरेंस। क्या औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन नहीं होती? क्या सास अपनी बहू के साथ सबसे ज़्यादा बदसलूकी से पेश नहीं आती? इन सारे परंपरागत रीति रिवाजों और इस सारे वहम कि औरत औरत की दुश्मनी होती है, ये जो सिस्टमेटिक परंपरागत वहम है, इसका बबल निवेदिता मेनन बस्त करती है अपनी किताब में महज एक सवाल के साथ कि एक आदमी अपनी ताकत दूसरे आदमी से डिराइव क्यों नहीं करता होता इस समाज में। और क्या अगर ऐसा कोई सेटिंग हो जिसमें एक ससुर अपने दामाद को रोज़ाना फेस करे, जिसमें जो दामाद है वो टेक ओवर करे बाद में ससुर से, और वो अपने लिमिटेड स्पीयर में एक दूसरे से रोज़ टकराए, तो फिर क्या आदमी आदमी के सबसे बड़े दुश्मन नहीं होंगे? और फिर जब मैं ये पढ़ती हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि कैसे हमारे गांव में ज़मीनों के बंटवारों के पीछे आदमियों की एक दूसरे से जब दुश्मनी होने पर आती है तो कैसे खानदान के खानदान अलग हो जाते हैं, और इसके बाद भी हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये तो तीमियों की जबान है, ये तो औरतों की दुश्मनी है। भाई कहाँ से? इसी तरीके की एक एनालॉजी वर्जीनिया वुल्फ अपनी किताब रूम ऑफ वन ज़ोन में पुटअप करती है, जिसमें वो हमसे इमेजिन करवाती है शेक्सपियर की बहन। वो कहती है कि अगर 16वीं शताब्दी में शेक्सपियर की कोई बहन होती और वो उतनी ही गिफ्टेड होती, उतनी ही करिश्मेटिक होती, उतनी ही टैलेंटेड होती, तो उसका हश्र क्या होता। इसमें वर्जीनिया वुल्फ कहती है कि ज़रूरी अगर कोई शेक्सपियर जैसे आज़ाद ज़िंदगी एक प्लेराइट और पोएट बन करके कोई महिला बिताती, तो या तो वो पागल हो जाती, या फिर वो खुद को ख़त्म कर देती, या तो वो किसी गांव के बाहर, शहर के बाहर, दूर दराज में एक बहुत वीरान कॉटेज में रहती होती, जहाँ पे लोग उसे वो चिड़ायल बोलते, उसको डायन बोलते, इससे डर, या तो बच्चे उससे डरते या फिर उसका मजाक बनाते। निवेदिता मेनन जहाँ अपनी किताब में हमको ये समझाती है कि औरतें औरतों की दुश्मन नहीं होती, रैदर ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है ही ऐसा कि वुमेन एक दूसरे के अगेंस्ट फिट की जाती है सिस्टमेटिकली, वहीं वर्जीनिया वुल्फ हमें ये बात समझाती है, ये व्यथा बताती है उस औरत के बारे में जो अगर पेट्रियार्की की शैकल्स को तोड़ के निकले भी तो आखिर में उसकी क्या अवस्था होगी। यही समझाने के लिए निवेदिता मेनन अपनी किताब में ये सवाल करती है कि आदमी के बीच में वो पावर बैटल क्यों नहीं होता जो औरतों के बीच में होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक आदमी की पावर बढ़ने पे दूसरे की कम नहीं होती, मतलब इंक्रीज पावर फॉर वन मैन डजंट इक्वल्स टू डिक्रीज पावर इन अनदर। वहीं अगर किसी वेरी लोकल हाउस होल्ड, वेरी लोकल मतलब लड़कियां जब शादी करके अपने आप को माइग्रेट करके किसी और के घर में, किसी और के परिवार में जाकर के बसती हैं,
तो उस तरीके के घर में औरतें अपना सारा का सारा पावर डिराइव करती हैं घर में जो आदमी है उनसे, जो या तो उनके पति होते हैं या तो उनके बेटे होते हैं, बेटे जो बाद में किसी और के पति हो जाएंगे। तो इस तरीके के सिस्टम में इट इज़ इनएविटेबल टू हैव सच पावर स्ट्रगल बिटवीन वुमेन, नॉट बिकॉज दे आर वुमेन बट बिकॉज दे आर सिस्टमेटिकली पिटेड अगेंस्ट वन अनदर। और हम जानते हैं कि एक छोटी सी भी कोई इंस्टेंस हो जहाँ पे आदमी आदमी के अगेंस्ट पिट किए जाएँ, जैसे कि गांव में हर किसी की ज़मीन जायदाद की लड़ाई होती ही होगी, तो वहाँ पे आदमी आदमी के कितने बड़े दुश्मन होते हैं। वहीं वर्जीनिया वुल्फ अपनी किताब में जब शेक्सपियर की बहन की कहानी बताती हैं तो वो बोलती हैं कि ज़रा सोचो 16वीं सदी में कोई लड़की हुई होगी जो शेक्सपियर की बहन होगी तो उसका जीवन कैसा रहा होगा। जब शेक्सपियर स्कूल जाता होगा और लिखता होगा प्लेज और अपने घर में सुनाता होगा, तब वो भी एकाध क्विल और पन्ना चुरा करके छिपा करके कुछ कुछ लिखती होगी, कभी रसोई में तो कभी ड्राइंग रूम में। तब उसके घर वाले उसको बोलते होंगे ये तुम क्या कर रही हो, ज़रा रसोई का काम सीख लो, वो तुम्हें ज़्यादा काम आएगा शादी के बाद। फिर उसके बाद उसके भाई की शादी हो जाती होगी, उसका भाई शादी करके लंदन चला जाता होगा, वहाँ पर जाकर के वो थिएटर में काम करता होगा, वो एक्सप्लोरेशन करता होगा, वो सीखता होगा नई नई चीज़ें, फिर लिखता होगा। जब इसकी शादी की बात आती होगी तो ये हट करती होगी कि नहीं भाई मैंने नहीं करनी शादी, मुझे नहीं जाना किसी और के घर में बहू बनके, मैंने अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो फिर उसके घर वाले उससे ज़ोर ज़बरदस्ती करते होंगे, उसके पापा उसको मारते पीटते होंगे, कमरे में बंद करते होंगे। अगर वो तब भी इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है, इतनी ज़्यादा हटी है कि नहीं भाई मैंने तो नहीं करनी शादी, वो नहीं मानती होगी, तो फिर उसके पापा उसके सामने रोते होंगे कि भाई तुम ये क्या पागलों वाली बातें करी, तुमको क्या कविताएं लिखनी है, तुमको क्या प्ले लिखना है, तुम चुपचाप शादी करो, क्यों समाज में हमारी इज्जत की ऐसी तैसी कर रही हो। और जब ये सब होता होगा तो फिर वो उसके बाद भाग के चली जाती होगी अपने घर वालों को छोड़ के, उसके घर वाले भी पीटते होंगे कि भाई ये लड़की तो गई हमारे हाथ से। जब वो भाग के लंदन जाती होगी तो जैसे ही वो थिएटर में कदम रखती होगी वहाँ पे एक मोटा सेठ जैसा इंसान बैठा होगा, जो कि जैसे आदमियों को कहता होगा वैसे उसको थोड़ी कहेगा, आदमियों को तो कहता होगा तुम लिखो तुम्हारी मर्जी है तो मुझे इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब औरत आती होगी तो वो क्या कहता होगा कि तुम लिखोगी। वहाँ से वो रिजेक्शन फेस करती होगी, अलग अलग तरीके की एक्सप्लॉयटेशन फेस करती होगी, कैसे रहती होगी लंदन के शहरों में अकेले, तो उसके बाद उसका क्या हश्र होता होगा, वही जो वर्जीनिया वुल्फ कहती है। वर्जीनिया वुल्फ अपनी किताब में एक ऐसे समाज के बारे में बताती है जहाँ पे समाज को सारी जीनियसेस जो औरत की थी उससे अछूता रखा गया। और जब हम इतिहास में जाते हैं ढूंढने के लिए कोई लॉस्ट नॉवलिस्ट, तो हर बार जब हम कोई ऐसी कहानी सुनते हैं कि किसी डायन को गांव वालों ने लठिया के मार दिया, कि कोई औरत थी जिस पर किसी शैतानी आत्मा का साया चढ़ गया, कि कोई ऐसी औरत थी जो लोगों का हाथ पढ़ के नसीब बताती थी या हर्ब्स वगैरह बांटती थी, या फिर कोई ऐसा बहुत रिमार्केबल आदमी था उस गांव का जिसकी एक माँ हुआ करती थी, जब भी हम ऐसी औरतों के बारे में सुनते हैं तब हमें समझ आना चाहिए कि ये वही लॉस्ट नॉवलिस्ट है जिसके बारे में हमें कभी समाज ने कभी इतिहास ने नहीं बताया। वर्जीनिया वुल्फ अपनी किताब में कहती हैं कि अगर वो इतिहास को लिख रही होती, अगर वो 19वीं सदी 18वीं सदी को दोबारा लिख रही होती, तो जिस समय में क्रूसेड्स और वॉर्स इन सारों के बारे में पन्नों ही पन्नों जिक्र हैं, वो सबसे ज़्यादा अहमियत इस बात को देती कि वो कौन सा काल था, वो कौन सी सदी थी जिसके बाद मिडिल क्लास औरतों ने लिखना चालू किया, उनकी इंटेलेक्चुअल जर्नी चालू हुई। और इन दोनों ही किताबों के आर्ग्यूमेंट ड्रॉ करती हैं दोनों ही लेखिकाएं अपनी पर्सनल लाइफ से, जहां वर्जीनिया वुल्फ एक ऐसे समाज से आ रही थी जब उनके ज़माने में ऑक्सफोर्ड के अंदर औरतों को कदम रखने की इजाज़त नहीं थी, वहीं निवेदिता मेनन अपने पीछे एक फेमिनिज्म का लंबा इतिहास और उससे अपनी लंबी बिलोंगिंगनेस लेकर के आती हैं, चाहे वो JNU में उनके स्टूडेंट जीवन हो, चाहे फिर वो उसके बाद LSR में जब वो स्टूडेंट यूनियन ट्रेजरर प्रोफेसर के तौर पे 15 साल रहीं उन दिनों की बात हो, या फिर चाहे वो अभी पॉलिटिकल साइंस की JNU में प्रोफेसर हो उन दिनों की बात हो। अगर किसी अध्यापक का काम होता है नए नए तरीकों की आइडियाज़ से बच्चों को रूबरू कराना, उनको ज़्यादा सोचने के लिए मोटिवेट करना, तो निवेदिता मेनन को ये करते हुए अभी 30 साल मतलब 3 दशक हो चुके हैं। निवेदिता मेनन एक मैट्रिलिनियल परिवार से आती हैं, केरला के मैट्रिलिनियल जहाँ पे मातृसत्ता हो, यानी कि माता के बाद उसकी बेटी उसके बाद उसकी बेटी में प्रॉपर्टी डिवाइड होती हो, जो कि मेरे समझ के बाहर है कि मातृसत्ता परिवार ऐसे आखिर होता कैसे होगा, क्योंकि मैं खुद एक नॉर्थ इंडियन पेट्रियार्कल हाउसहोल्ड से आती हूँ। और यही निवेदिता मेनन कहती भी हैं कि हमारे देश में किसी दूसरे कोने में किसी दूसरे तरीके की भी व्यवस्था है, चल रही है,
तो ये कोई एकदम बहुत मकतूब नहीं है कि ऐसे ही होगा और ऐसे ही चलेगा सिस्टम और इसके सिवाय सिस्टम चल नहीं सकता। और ये नॉर्थ इंडियन पेट्रियार्कल हाउसहोल्ड्स के लिए मानना बहुत नागवारा है कि कैसे किसी दूसरे तरीके से भी कोई फैमिली फंक्शन सिस्टम ऑपरेट कर सकता है। निवेदिता मेनन की किताब सिर्फ फेमिनिज्म के चैलेंजेस जो इंडिया में फेस हुए उसके बारे में बात नहीं करती, लेकिन वो एक बहुत बड़े टॉपिक के बारे में बात करती है जिसमें इंटरसेक्शनैलिटी और ग्लोबल फेमिनिज्म मूवमेंट की चर्चा है जिसका कोई बॉर्डर नहीं है। वो अपने किताब में बात करती हैं हिंदू कोड बिल के बारे में, वो अपनी किताब में बात करती हैं पिंक चड्डी कैंपेन के बारे में जिसको सारी मीडिया ने बहुत ज़्यादा नकारा और इसका मजाक बनाया। वो 377 आर्टिकल के बारे में बात करती हैं इंडियन पिनल कोड के, ओलंपिक के जेंडर वेरिफिकेशन सर्जरी के बारे में बात करती हैं। जब मैंने सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट किताब पढ़ी तो मैं भी इस बात को लेकर के बहुत परेशान थी कि भाई अगर अब मैंने इमेजिन कर लिया कोई ऐसा समाज जो कि वैसा नहीं है जैसा मैं अभी तक देखती आ रही हूँ, अगर मैं उस इमेजिनेशन के बियॉन्ड जा चुकी हूँ, तो अभी तक जो चीज़ मेरे साथ एज इनजस्टिसेस हो रही थी और जिसको मैं इनजस्टिसेस समझ भी नहीं रही थी, मैं उसमें लौट करके वापस कैसे जाऊँ? वंस आई हैव स्टार्टेड टू सी लाइक अ फेमिनिस्ट, हाउ डू आई अनसी इट? या फिर अगर इफ़ आई कांट अनसी इट, तो मैं अपने करीबियों को, अपने परिवार वालों को, अपने नज़दीकियों को फॉल्ट लाइन कैसे दिखाऊं कि कहाँ पे क्या गलत है? और इसके बावजूद अगर वो ना देखें तो इसके बाद भी उनसे करीबी कैसे रहूं, उनसे नज़दीकियाँ कैसे रखूं? तो क्या मेरा सारा जीवन किसी द्वंद्व में बीतने वाला है? तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जो बातें उन्होंने अपनी किताब में लिखी हैं वो मेरे को ज़्यादा परेशान कर रही है कि ये जो हकीकत मेरे आसपास है वो मुझे ज़्यादा परेशान कर रही है। जिसका निवेदिता मेनन ने जितनी खूबसूरत वो इंसान है उतनी ही खूबसूरती से जवाब देते हुए कहती हैं कि ऐसा ज़िंदगी में अक्सर होगा जब हम नए विचारों को पढ़ रहे होंगे, नए लोगों से मिल रहे होंगे, नए नए आइडियोलॉजीज़ को इनकाउंटर कर रहे होंगे, तो बहुत सारी विचार हमें बताएगा कि हम किस तरीके से समाज में प्रिविलेज्ड हैं। जैसे कि अम्बेडकर के बारे में पढ़ के, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, या फिर मार्क्स को पढ़ के, और साथ ही कुछ विचारधाराएं ऐसी होंगी जो हमें बताएंगी कि हमें कैसे डिसप्रिविलेज किया गया, जैसे कि फेमिनिस्ट थॉट। और ये सब होते हुए अक्सर ऐसा हो सकता है कि हमें अपने अगले लेने वाले कदम के लिए बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो, साथ ही ऐसा हो सकता है कि हमें अनेकों प्रकार के प्यार मिले अनेक अनेक तरीक़ों से समाज में, लेकिन उनका ये दावा है कि ऐसा एक क्षण अब ज़िंदगी में नहीं आएगा जो कि एक डल मोमेंट होगा मेरी लाइफ का। वर्जीनिया वुल्फ ने हालांकि अपनी ज़िंदगी एक बहुत दुखद मोड़ पे अंत करी, लेकिन उनकी बातें समाज की चाहे जितनी नकारात्मकता को बताती हों वो निराशावादी नहीं थी। उनकी किताबों ने हमेशा उम्मीद की बातें करी हैं, उनकी किताबों ने हमेशा बदलाव की बातें करी हैं। तो यदि आप अभी भी इन दोनों लेखिकाओं से भयभीत नहीं हुए हैं, इन दोनों की किताबों के आइडियाज से इतने डिसएग्री नहीं करते हैं कि इसको पढ़ने की जहमत भी ना उठाएं, तो ज़रूर ये दोनों किताबें पढ़ें। मेरे जो दोस्त मेरी तरह हैं जो नॉन फिक्शन नहीं पढ़ पाते हैं, वो वर्जीनिया वुल्फ की किताब से चालू कर सकते हैं। वो एक फिक्शनल किताब है, बेहद खूबसूरत। साथ ही मुझे बताएं कि उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या मुझे और बुक रिव्यू करने चाहिए, क्योंकि अब मैं अगली किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ रही हूँ, जिसके लिए भी मुझे लगता है कि इसके बाद मैं और नेक्स्ट लेवल डिस्टेबलाइज्ड फील करने वाली हूँ, और मैं कैसा भी फील करूँगी मैं ज़रूर बताऊँगी वीडियो में। आप सब बताएं कि आपके ऐसे वाले मोमेंट्स कौन से रहे किताबों को पढ़ के जिसको देख कर के आप माइंड ब्लोन हो गए हों, और एक बार ये कोशिश करें इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करके देखने की, क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अनटिल देन, बाय।